उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूकेडी को लेकर कहा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगी वो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। बीजेपी किसी भी प्रकार से नुकसान की स्थिति में नहीं है। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि यूकेडी को अभी चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता तय करेगी यूकेडी को लाना है या कांग्रेस अलायंस को लाना है। पांचों सीट में उनको भी लड़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टी है। अगर वो पहले से लड़ती रहती तो शायद हो सकता था आज तक जो है उनकी उपलब्धियां 1-2-4, मैं तो कहता हूँ पांचों सांसद की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऊपर से नीचे आते रहे और बिखराव में जो है सारा पूरे उत्तराखंड के लोगों का मानना था, लेकिन क्या करें, अब जनता ही तय करेगी भाई कि यूकेडी को लाना है कि कांग्रेस और अलायंस के लाना है या उसको। लोकतंत्र में सबका अधिकार है और पहले तो इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूकेडी जहाँ भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा, बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है।